जिला पंचायत चुनाव अपने सर पर ताज लेकर बड़े बड़े कदम बढ़ाकर जितना नज़दीक आ रहा है उतना ही उम्मीदवारों में फुर्ती नज़र आ रही है। उम्मीदवार अपने हाथों में अपने कामों की सूची लेकर और अपनी आँखों में आस लेकर वोटरों की तरफ देख रहे हैं। कुछ उम्मीदवार हैं जो तिकड़मबाजी करके जनता को अपने जाल में फंसाने की कोशिश में है। हमारे साथ जो शख्स हैं वो नौरंगा से हैं, मेहर जी हैं। तो मेहर जी, मैं आपका अपने शो द इमर्जिंग लीडर्स ऑफ जिला पंचायत में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद राघवन जी। और अब बढ़ता है सवाल जवाब का सिलसिला जी। तो पहला जो सवाल मेरा है जी, वो है कि राजनीति में आने की वजह क्या है और कब से राजनीति में आया? अच्छा, राजनीति की वजह ये है कि मेरे पिताजी शुरू से बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए थे और चौधरी साहब के, धुराम चौधरी जो रहे यहाँ राष्ट्र से, तीन तीन बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उनके साथ काम किया है। बस उसे देखा, बचपन से देखा और मैं भी इसी लाइन में चल गया। क्या क्या देखते हैं आप, या राजनीति में किस तरीके के बदलाव की ज़रूरत है? राजनीति में बदलाव की, ये धनाढ्य लोग हैं जो आते हैं पंचायत चुनाव में पैसे के बल पर, वोटरों को दारू शराब मुर्गा खिलाकर ये अब रिझाने का कार्य करते हैं। इन चीज़ों का जनता को बहिष्कार करना चाहिए और होना भी चाहिए, और एक साफ सुथरी छवि, एक विजन लेके शिक्षा, सड़क, पानी की व्यवस्था, नाली, इन पे जो भी कैंडिडेट आए, मैं भी एक प्रत्याशी, मेरी पत्नी प्रत्याशी रही है नौरंगा जिला पंचायत वार्ड नंबर 14 से, और दूसरी कंडीशन रही थी वो हार गई थी, और इन विशेष फोकस इन्हीं चीज़ों पे रहना चाहिए। हाँ, प्रत्येक प्रत्याशी का, ये नहीं कहता हूँ कि मेरा भी जी। बिल्कुल। तो आपने जो बात की पिछले चुनाव की जी, तो पिछले चुनाव में क्या ऐसा हुआ या क्या वजह रही जिसकी वजह से आपको हार का सामना करना पड़ा? पिछले चुनाव में सब प्रत्याशी लड़े चुनाव, मैं भी लड़ा, मेरी पत्नी लड़ी, महिला सीट थी, सामान सीट थी नौरंगा जिला पंचायत, और उसमें प्रशासन की भी खामियां नज़र आईं। मेरा एक बूथ पर निशान ही गायब हो गया था, एक बूथ पर निशान ही गायब हो गया था। ये खामियां ही हैं, और जो मैंने कहा है पूर्व के प्रत्याशियों ने किया भी है, ये मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, प्रत्याशी ने किया है सब लोगों ने, कुछ कुछ खास खास दो चार लोगों ने ज़्यादा किया। अच्छा, आपका कहना है कि ये मुख्य वजह रही आपके चुनाव में हारने की? हार नहीं, मैं पहली बार चुनाव लड़ा भैया, मेरे घर से कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, मैं एक बहुत सिंपल से परिवार से आता हूँ, और मेरी कोई ऐसी बहुत एक कह लीजिए साधारण से परिवार से, 8 बीघे जमीन वाले मेरे पिताजियों में भी हूँ मैं, तो कोई ऐसी वो नहीं है। एक ज़माना था, स्वामी जी हैं जो फकीर थे, एक साधु थे, संत थे जी, उन्होंने राजनीति में आए जी, विकास किया जी, एक बहुत बड़ा महाविद्यालय दिया जी। तो पहले की राजनीति या आज की राजनीति में क्या क्या अंतर देखते हैं आप? पहले की राजनीति तो मैंने स्वामी जी को देखा नहीं है किस तरीके से उन्होंने राजनीति की है, सुना है उनके पीछे लोग, जिस पूरे दोनों जनपद में जो आज अब महुआ अलग हो गया है, तो जिसको चाहे विधायक बना दें, और उनका कोई विजन रहा भाई मैंने तो देखा है नहीं। तो क्या समझते आप, मेरा पॉइंट है क्या होता है, पंचायत चुनाव हो, नॉर्मली प्रधानी का भी चुनाव जी, तो कैंडिडेटों की जो जेब होती है वो खाली होने लगती है जी, या उनका जो खजाना होता है धीरे धीरे सरकने लगता है। राघवन जी, आप भी जानते हैं, आप भी गांव से बिलोंग करते हैं, वो सब चीज़ें आप जानते हैं कि इसी में सबसे ज़्यादा ये लोग रिझाने के चक्कर में, बल्कि ये करना नहीं चाहिए। आप लोग करें तो शुरू से करें, पाँचों साल करें, जो कर सकते हैं आप पाँचों साल करें, ये नहीं कि गए तो चुनाव आया तो उनने कहा कंबल बांट दो, उनने कहा जे कर दो वो कर दो, भाई पाँचों साल करिए, आप कर सकते हैं तो जनसेवा कर सकते हैं, उसी टाइम पे क्यों करते हैं? कोई भी किसी भी चीज़ का प्रत्याशी हो, प्रधानी का हो, वार्ड मेंबरी का हो, जिला पंचायत का हो या उसका हो, इस चुनाव में क्या बदलाव देखेंगे आप, या क्या लग रहा है आपको क्या बदलाव होगा,
चाहे वो खर्चने की बात हो, पैसों की बात हो जी, तो क्या क्या अंतर देखेंगे पिछले चुनाव के कंपैरिजन में और आज के चुनाव में? क्या लग रहा है आपको कि क्या चीज़ बदली सी लग रही है? बदली सी कोई चीज़ नहीं लग रही, सेम वही है। कोई अभी 5 साल का अंतर हुआ, कोई ज़्यादा अंतर तो हुआ नहीं है कि कोई, मतलब पिछली बार जो कैंडिडेट ने जितना पैसा खर्च हुआ था उससे एक कदम आगे जाएंगे, पीछे जाएंगे, बराबरी पर रहेंगे, तो चुनाव की बात पता चलेगा क्या होगा। बिल्कुल, फिर भी आप एक उम्मीदवार हैं, आपने जो देखा हो, आकलन किया हो। कम तो हो ही नहीं सकता, आगे ही जाएंगे सब लोग। कम का वजह नहीं, महंगाई भी बढ़ी है। चलिए, आपका कहना है कि बिल्कुल पैसा एक बहुत बड़ा फैक्ट है आज की राजनीति में जो बन चुका है कि पैसे का जो है, पैसे को लगना ही लगना है चुनाव में, या पैसा लगना ही लगना है जी। बात करते हैं आपके राजनीतिक गुरु की, आपका राजनीतिक गुरु कौन है? चाय भी लीजिएगा। आपका राजनीतिक गुरु, राजनीतिक गुरु के बारे में बताइएगा और क्या क्या आपने सीखा उनसे? मैंने माननीय धूराम चौधरी, पूर्व विधायक राग, उन्हीं से प्रेरणा ली है और उन्हीं के पदचिन्हों में चलना चाहता हूं कि उन्होंने जो गरीबों की और कोई भी दरवाजे में आ जाए और अपने तुरंत तैयार रहते थे कार्य करने के लिए और सबकी सुनते थे, कोई वहां रोक टोक नहीं, कोई खाफ नहीं, कोई सगा नहीं, ये उनकी बहुत बड़ी खासियत थी। उनसे कुछ चीज़ें जो आपने सीखी हो, जो आपको जीवन पर्यंत याद रहेंगी? जो मैंने बताया है। अच्छा, मतलब लोगों की मदद करना बिना भेदभाव के? बिना भेदभाव। और कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता हो जिसे आप पसंद करते हो? राष्ट्रीय स्तर के नेता माननीय कांशीराम, जो हमारे BSP के संस्थापक रहे हैं, माननीय बहन जी। ऐसा तो नहीं आप पार्टी से हैं तो केवल पार्टी के जो लोग हैं उनके नाम लेंगे आप? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पार्टी है, पार्टी में काम करते हैं। मैं वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हूँ राठ का, बहुजन समाज पार्टी का जी। क्या खूबी है, मायावती जी की बात करी आपने, आप उनका अनुसरण करते हैं, तो क्या लगता है आपको कि हाँ, या क्या उनकी चीज़ गेन की है आपने, क्या लिया है उनसे? उनका जो कानून व्यवस्था है और निचले तबकों तक अपनी योजना पहुँचाना है, विकास का कार्य हो और कोई भी हो, जैसे आप कांशीराम कॉलोनी दो, शहरी लोगों के लिए उन्होंने एक आशियाना दिया है, शिक्षा के लिए बड़े बड़े उन्होंने विश्वविद्यालय भी खोले हैं। एक सवाल और आपसे जी, जी, पार्टी इन पंचायत चुनावों में क्या रोल प्ले करेगी? क्या लगता है आपको कि ज़्यादा फर्क पड़ेगा पार्टी से? पार्टियों से फर्क तो पड़ता है, लोग जुड़े भी रहते हैं, हर दल से जुड़े रहते हैं। तो आपका कहना है कि बसपा मैटर करती है या इस चुनाव में उसका अहम रोल रहेगा? बिल्कुल। आप अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताइएगा, शिक्षा कहाँ से ली, कितनी शिक्षा है आपकी? मैंने हाई स्कूल हमीरपुर से किया और इंटर ब्रह्मानंद महाविद्यालय से जी। उसके बाद? और ब्रह्मानंद महाविद्यालय से मैंने BSc बायो से की जी। उसके बाद फिर राजनीति में आ गए? राजनीति। चलिए बात करते हैं मुद्दों की जी। आप किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, फोकस आपका किन किन मुद्दों पर है? मेरा फोकस है जो गांव में जो सड़कें टूटी हुई पड़ी हैं, जो अगर मैं चुनाव जीतता हूँ और सीट रही, अभी तो आरक्षण नहीं आया, मैं कैसे कह दूं कि मैं प्रत्याशी हूं, आरक्षण आने पर अगर मैं नौरंगा क्षेत्र से चुनाव जीतता हूं तो जो गांव में टूटी सड़कें पड़ी हुई हैं, जो मेरे कार्य क्षेत्र में सांसद को सॉरी जिला पंचायत सदस्य के जो कार्य क्षेत्र में कार्य काम आते हैं उसमें कोई कोर कसर नहीं की रखी जाएगी। अभी हम देखते हैं एक पैटर्न सा बना है जी, जो भी जिला पंचायत सदस्य हैं जीतते हैं जी, जिला अध्यक्ष जो बनने वाला होता है जी, वो उन पंचायत सदस्यों को, जिला पंचायत सदस्यों को खरीदता है जी। बिल्कुल, खरीद फरोख्त होती है जी। तो क्या लगता है आप भी उस पैटर्न में चलेंगे अगर आप जीतते हैं? और मैं राघवन जी, मेरी उम्र अभी 35 साल है और ना मैंने ये अभी अपने सपनों में सोचा है कि मैं इस तरीके से चलूँगा। मैं अपने लोगों के साथ विकास के लिए और जहाँ भी रहूँगा, खरीदने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं
अगर जीत के जाता हूँ, अगर मुझसे मेरे पक्ष का, ये नहीं कहता हूँ कि विपक्ष का या पक्ष का, जिला पंचायत अध्यक्ष बनता है तो मैं उससे कार्य अपने क्षेत्र में कराने के लिए कटिबद्ध रहूँगा। बात करते हैं, जैसे आपने एक मुद्दा बताया सड़क, सड़कों की बात है तो और भी कोई मुद्दे होंगे, पानी की व्यवस्था है, शिक्षा की है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, सब जिला पंचायत क्षेत्र के अंदर जो कार्य आते हैं उसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ जाएगी। शिक्षा में क्या क्या बेसिक बदलाव क्या लाएंगे आप, जो आपके अंडर में है या जिला पंचायत सदस्य के अंडर में अगर आप जीतते हैं तो क्या बदलाव हम देखेंगे? जिला पंचायत सदस्य के अंडर में तो खैर शिक्षा का है नहीं है, लेकिन अध्यक्ष जो बनते हैं उनके दबाव में जो आपका जो योजना सरकारी चलती है, मिड डे मील हो या टीचरों का समय से आना हो और वहाँ पे ये पढ़ाई कैसी होती है, अगर मैं जीतता हूँ तो डेली एक दो गांव जाके ये चीज़ें मैं ज़रूर सर्वे करूँगा। नहीं, बहुत अच्छी सोच है आपकी। बात करते हैं आपकी यादों की किताब के, जी जो पसंदीदा पन्ने हो जो आप हमें और हमारे दर्शकों को पढ़ाना चाहें, उन्हें बताना चाहें, तो अपनी ज़िंदगी के जो पसंदीदा पन्ने हैं, यादों के जो पसंदीदा पन्ने हैं, उन्हें हमें और हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइएगा। अब ऐसी कोई रही नहीं है कोई लाइफ, पीछे मुड़ के देखते हो कुछ ऐसे पल जहाँ से आपको साहस मिलता हो? मुझे साहस कांशीराम साहब की किताबें पढ़ के और जो जो मेरे राजनीतिक गुरु हैं उनके संघर्ष को देख के मुझे चेतना। कुछ ऐसा संघर्ष जो आपने अपने राजनीतिक गुरु के साथ किया हो? नहीं, मेरा कोई संघर्ष में बहुत छोटा रहा है। बिल्कुल, अभी हाल ही में किन्हीं मुद्दों पर आप उनके साथ अड़िग रहे हो, संघर्ष किया हो? अभी किसानों का चला था, उसी में बैठे रहे, आप भी थे, हम भी था। किसान आंदोलन में आप धरने पर देखा मैंने। तो अगर जैसे फिर से मैं ये सवाल मेरा दोहरा रहा हूँ मैं जी, कि आपने बात कही शिक्षा की जी, कि मैं भ्रमण करूँगा यहाँ वहाँ के गाँव में। बिल्कुल, अभी अपने सदस्य क्षेत्र के। बात करते हैं भ्रष्टाचार की जी। तो अगर आप या आपके अंडर में जितने गांव आते हैं जी, जो काम आते हैं जी, तो हम क्या देखेंगे कि अगर आप जीतते हैं तो क्या भ्रष्टाचार जो है ज्यों का त्यों रहेगा, थोड़ा बहुत कमी आएगी उसमें? नकेल कसूंगा जो मेरे उसके मतलब पावर के अंदर है उसमें नकेल कसूंगा, और पावर के अंदर भी नहीं है तो नकेल कसूंगा शिकायत कर करके। जनप्रतिनिधि बहुत बड़ा होता है, अब ग्राम प्रधान भी बड़ा होता है अगर अपने आप में आ जाए तो, नौकरशाही कुछ नहीं कर सकते। अगर लालच है तो आप शिकायत नहीं कर पाएंगे, पहले आप दब जाएंगे कि मुझे भी कमाना है, मैं इससे डर के रहूं मेरी भी शिकायत हो जाएगी। युवाओं के लिए खास संदेश कि अगर एक युवा ही चाहे तो पूरे गांव में परिवर्तन ला सकता है? बिल्कुल, तो युवाओं के लिए कुछ खास संदेश आपके द्वारा? युवाओं के लिए तो यही है कि जो पढ़ते हैं वो पढ़ाई में मन लगाएं, जो काम करते हैं वो कार्य करें, जिस क्षेत्र में हैं वो अपने तन मन से कार्य करें, उसी में सफलता है। कोई खास संदेश आपके वोटरों के लिए? मेरा वोटरों के लिए यही है कि आप बहुत से लोग जो जिला पंचायत क्षेत्र के अंदर कार्य नहीं आते हैं, जैसे आप यहाँ बैठे हैं, अब हम कहें ये सड़क हम डलवा देंगे, असंभव, नहीं डला सकते, असंभव है, नहीं डला सकते। तो ऐसे झूठे वादों में हमारे क्षेत्र की जनता या किसी भी क्षेत्र की जनता ना फंसे, जो कार्य क्षेत्र लायक है, जिला पंचायत सदस्य जिस लायक है उसके उस लायक के बाद स्वीकार करें, अन्यथा बेकार के बाद कचरे के डिब्बे में डालते हैं। आपके घोषणा पत्र में क्या क्या होगा, या वोटर जो आपके क्षेत्र के हैं? मेरा घोषणा पत्र नहीं है, मैं राघवेंद्र जी, मैं बिल्कुल क्षेत्र में ही रहता हूँ, ये नहीं है कि मैंने 6-7 साल से मैं गांव में रहने लगा, 6 ही साल हुए मुझे, और बराबर ऐसा कोई भी दिन नहीं रहा होगा कि मैं किसी गांव मतलब एक दो गांव ना कवर किए हों और लोगों से जुड़ा नहीं रहा हूँ। ना मेरी ऐसी आदत है कि मैं चुनाव लड़ा हूँ, ना मैं इतना पैसे वाला हूँ कि मैं अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखूँ
दो चार लोग आगे पीछे गाड़ी घोड़ा, लेकिन जो है कि जनता के बीच में मैं रहूँगा और उनके कार्य करूँगा। क्या ये कमी आपको टीसती है कि कुछ कैंडिडेट होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, तो क्या नहीं, पैसे की नहीं कमी? जनता जनता सब जान गई है, अब जनता जान गई है, सब देख लिया जनता ने, और अभी खींचती नहीं है। मैं संघर्षशील व्यक्ति हूँ, मैं दबाव वाला भी आदमी नहीं हूँ, और मैं न पैसे वालों से, न राजनीतिक व्यक्तियों से, न किसी से, मेरा कोई ऐसा धंधा ही नहीं है कि जो मुझे कोई डराए। अपना राजनीतिक करियर जी, पहले मैंने यादों की बात की, आपको फ्लैशबैक में पीछे ले गया जी, अब मैं आपको आगे ले जाता हूँ। भविष्य में आप राजनीति में खुद को कहाँ देखते हैं? भविष्य में नहीं, मैं तो जिला पंचायत सदस्य ही देखना चाहता हूँ। उसके बाद क्या क्या राजनीतिक करियर किस दिशा में जाएगा, क्या करेंगे, कम से कम क्या सोच है आपकी? ऐसा कोई विजन नहीं है। बचपन के कुछ किस्से सुनाइएगा हमें आप, शुरुआत से, ताकि लोग जो आपको देख रहे हैं आपके बारे में जान सके, संक्षिप्त में बताइएगा, ताकि बचपन में तो कहा है स्कूल जाना और आके क्रिकेट खेलना। शुरुआती शिक्षा वहीं गांव से ही, नौरंगा से? हाँ, हमारे गांव बाबा मधुबन दास के आगे स्कूल था, वो अब इस समय बंद पड़ा हुआ है। उसके बाद मेरी माता जी डेथ हो गई थी, उसके बाद पिताजी ने मुझे हमीरपुर भेज दिया था, फिर मैं हमीरपुर रहने लगा। मेरी बहन को, मेरी छोटी बहन थी, दोनों लोगों को हमीरपुर शिफ्ट कर दिया था, वहाँ पढ़ाई की। उसके बाद फिर राठ आ गए, राठ में पढ़ाई की, बस ये। अपने कुछ पढ़ाई के समय के, कॉलेज के समय के जी, कोई किस्से राजनीतिक अनुभव हो, क्या विद्यालय स्तर पर आपने राजनीति की है? विद्यालय स्तर पर राजनीति होती नहीं थी, तब हम डिग्री कॉलेज पहुँचे तो चुनाव बंद हो गए थे, ब्रह्मानंद महाविद्यालय में तब हम पहुँचे। 2007 में मेरी BSc कंप्लीट हुई थी, तब इलेक्शन नहीं हुई थी, उसके पहले हो चुके थे। प्रयास भी किया था कि इस साल होंगे तो मैं लड़ूंगा, टोली भी बनाई थी, सब लोगों ने एकजुट दोस्ती दे था। और आपके समय की, हालांकि ज़्यादा एक लंबा समय नहीं हुआ है या नहीं, आपका नहीं। तो मैं कहूँगा फिर भी उस समय में और आज के समय में विद्यालय में क्या परिवर्तन आया है और शिक्षा में क्या परिवर्तन आया है? अब उस समय, अब इस समय तो स्कूल जाना है नहीं मेरा, कॉलेज जाना मतलब, और मुझे जितना है पता कि इंटर और हाई स्कूल कि जो सिलेबस पहले जो हम पढ़े थे वो सिलेबस नहीं है अब तो, ये बॉटनी, जूलॉजी बॉटनी की एक ही है, पहले हमें अलग अलग पढ़ाई जाती थी, अलग अलग पेपर होते थे, ऐसे ही हाई स्कूल में था, अब सब एक है, किताबें भी छोटा भी कर दिया, सरल भी कर दिया। और आज के युवा हैं राजनीति में, कुछ ऐसे युवा हैं गांव में जो BDC का चुनाव लड़ रहे हैं जी, 18 साल से कुछ साल ही बड़े होंगे वो लोग, जो सोच रहे हैं कि हम BDC में उतरे हैं, तो जो युवा राजनीति में आ रहे हैं जी, उनको क्या कहेंगे आप, या क्या लगता है ऐसे युवाओं को देखकर आप? युवाओं को तो राजनीति में आना ही चाहिए, युवा आएगा तब तो आगे देश बढ़ेगा। लोग कहते हैं राजनीति वो कीचड़ है जिसमें जो साफ करने वाला जाता है वो खुद ही उसमें लिप्त हो जाता है, इस पर क्या सोचते हैं? अपने आप को साफ रखिए, कीचड़ अपने आप दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। चलिए, हमारे साथ मेहर जी थे और हमारी उनसे बातचीत हुई, और आशा करते हैं आपने भी बहुत कुछ उनके बारे में जाना होगा, उनके विचारों को सुना होगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए।